ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब सन 1979 में ज्ञान में चले, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा परिवार चला, और उसी साल नवंबर में जब आबू गए, नवंबर दिसंबर में बाबा मिलन में, तो हमारी दादी प्रकाश मन्ना दादी को बताया, हमारी दीदी ने, दादी ने, गंगे दादी ने कहा कि दादी ये परिवार जो है, क्योंकि पूरा परिवार ज्ञान में चला फिर, तो ये परिवार जो है ना, ये वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ है। तो दादी ने देखा, प्रकाश मणि दादी ने देखा, कहा अच्छा बहुत महंगे निकले। मैंने पूछा महंगे निकले, उस समय तो नहीं पूछा, बाद में पूछा, तो कहा बाबा ने सिर्फ एक परिवार को निकालने के लिए इतनी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करवा दी, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए थे, दलाई लामा आए थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी वो आए थे, लंदन से आए थे, कॉमनवेल्थ के, पूरा भारत इकट्ठा हुआ था, जयंती दीदी, जानकी दादी सब पहुंचे थे। तो इसीलिए कहा कि आप बहुत महंगे निकले। ये मुझे बाद में पता पड़ा, क्योंकि आज के समय मैं अपने पांचों भाई बहनों में सिर्फ अकेली हूँ ब्रह्मा कुमारी बनने वाली, बाबा को साथी बनाने वाली। तो अब मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे निकालने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों को कानपुर में इकट्ठा कर दिया और मुझे निकाला। तो ये तो हो गई मेरे अलौकिक जन्म की कहानी। इसके बाद फिर हम लोग, जब पूरा परिवार ज्ञान में चला, कुछ समय तो चला, 3-4 साल, 79 से 84। उसके बाद में मेरे परिवार में एक ऐसी घटना हुई, लौकिक परिवार में हमारा एक भाई एक्सीडेंटली, उसकी डेथ हो गई। उससे परिवार में थोड़ा सा हलचल हुई, माता पिता हिल भी गए। हाँ, इसके पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब क्लास में जाते थे, क्योंकि बाबा का जो साथ छूटता है वो अपनी ही कमी कमजोरी के कारण ही छूटता है ना। लोग ज्ञान को जो छोड़ते हैं तो अपने अंदर कमी होती है, बाबा में कोई, बाबा के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं। तो होता क्या था, क्लास जब होती थी, क्लास के बाद में फिर दादी तो मुरली सुना के चली जाती थी, गंगे दादी, उसके बाद में फिर दो ग्रुप बन जाते थे, माताएं माताओं के बीच में बैठ करके आपस में चर्चा करते थे, भाई लोग भाई लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करते थे। तो एक भाव ये हो जाता है लोगों का कि अब तो ये हमारा अलौकिक परिवार है ना, तो अलौकिक परिवार में ही फिर वो क्या कहते हैं, मिक्सअप होना शुरू कर देते हैं। मगर वो कहीं कहीं क्या होता है, ज्ञान की चर्चा के साथ साथ व्यर्थ भी बहुत आ जाता है, जो उस समय भी था। तो व्यर्थ सुनते सुनते वो, देखे जहर अगर जाता है शरीर में, वो स्लो पॉइजन हो, तो अगर व्यर्थ जाता है तो व्यर्थ पहुंचेगा तो वो कहीं ना कहीं असर तो जरूर दिखाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं माता पिता के मन में होता तो होगा, क्योंकि बाद में घर पर आके चर्चा भी होती थी कि वहाँ फलाने ने ऐसे कहा। अच्छा, दूसरी बात होती है कि 10 साल से ज्ञान में चलने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं तो जरूर वो तो अनुभवी है ना, ज्ञान का अनुभव नहीं, बाकी बातों का, व्यर्थ का अनुभव, तो उसको सच मानते हैं और फिर अपनी बुद्धि को चलाना बंद कर देते हैं। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो 84 के बाद में, सन 84 के बाद में हमारे मम्मी पापा का जाना बंद हो गया और हम लोगों का भी बंद करा दिया, कहा कि अब जो है शादी करेंगे बच्चों की, और फिर वो यही कहे जहाँ जहाँ गाय जाती वहाँ बछड़े तो जाते ही जाते हैं, तो पता कैसे चले कौन ज्ञान में चलता है कौन ज्ञान में नहीं चलता है। तो उन्होंने जाना बंद करा दिया, उन्होंने भी बंद किया और हम सबका बंद हो गया। इसके बाद सन 87 में बड़े भैया की शादी कर दी, उसके बाद मेरे ऊपर दबाव पड़ने लगा, सेंटर जाना तो बंद ही करा दिया था। अच्छा, इसके पहले कहते थे मैं तुम्हारी शादी करा दूँगा,